नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं Realme 7 Pro के बारे में। दोस्तों इस फोन में एक और नया अपडेट आ चुका है दोस्तों 6 अगस्त 2021 को। तो दोस्तों आज मैं आपसे इसी अपडेट के बारे में बात करने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि इस अपडेट के बाद दोस्तों हमारे फ़ोन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इस अपडेट में हमें क्या क्या नया देखने को मिलता है और दोस्तों जी अपडेट का दोस्तों साया क्या है और किन किन लोगों को जो अपडेट मिला है और दोस्तों जिन लोगों को नहीं मिला है उनको कब तक मिलेगा। तो दोस्तों सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में, उससे पहले आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जी है मेरे पास Realme 7 Pro जिसमें दोस्तों देखिए ये वाला अपडेट आ चुका है। तो दोस्तों आपको शायद ही डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस अपडेट को चेंज होने के बाद दोस्तों इसका नाम है RMX 2170 11C.24। तो दोस्तों इसमें हमें क्या मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसमें हमें जो 11 अपडेट के बाद जो भी कुछ दोस्तों बक्स आए थे वो इसमें फिक्स कर दिए गए हैं। हमारा सिस्टम का दोस्तों परफॉर्मेंस था वो और काफ़ी स्मूथ हो चुका है और दोस्तों हमारा जो भी जो लैगिंग आ रही थी इस फोन में नए अपडेट के बाद दोस्तों वो सारे फिक्स कर दिए गए हैं। क्योंकि दोस्तों ये अपडेट इसीलिए दिया गया है कि 11 के बाद दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे थे जिनके मोबाइल में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, किसी का फ़ोन हैंग हो रहा था तो दोस्तों किसी का लैग कर रहा था। बट दोस्तों इस अपडेट को करने के बाद आपके फ़ोन में अगर 11 का अपडेट है तो दोस्तों उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो फिक्स हो जाएगी। और दोस्तों इसमें काफ़ी सारे ऐसे छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं, जैसे दोस्तों आपका फ़ोन पहले से थोड़ा हीट होता था तो कूलिंग सिस्टम दोस्तों इसमें ऐड किया गया है। और वहीं दोस्तों इसमें थोड़े बहुत जो बक्स आ रहे थे काफ़ी लोगों के फ़ोन में तो दोस्तों वो भी सारे फिक्स कर दिए गए हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इसमें आपको सिक्योरिटी पिछले लेवल का अपडेट दिया गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ दोस्तों ये अपडेट दिया गया है आपके फ़ोन के बक्स को फिक्स करने के लिए, जो आपके लास्ट अपडेट से बक्स आए थे वो सारे फिक्स कर दिए गए हैं इस अपडेट के बाद। और दोस्तों इसका साइज़ है 200 MB के अंडर। तो अगर आपके फ़ोन में जो अपडेट आ चुका है तो दोस्तों आप इसको फटाफट से कर लो, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि रियलमी के फ़ोन में जो अपडेट आते हैं अगर आपने टाइम पर कर लिया फिर तो ठीक है, वहीं नहीं दोस्तों अगर आपने उसे स्किप कर दिया कि बाद में करूँगा तो दोस्तों वो ऑटोमेटिकली वहाँ से हट जाते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो अपडेट आते हैं रियलमी की तरफ से ये दोस्तों सिलेक्टेड फ़ोनों में ही आते हैं। रियलमी जो होती है दोस्तों वो सिलेक्टेड फ़ोन में अपडेट भेजती है कुछ लोगों के लिए, एक साथ दोस्तों सभी लोगों के पास अपडेट नहीं आते। तो अगर आपके फ़ोन में आया है तो दोस्तों आप फटाफट से कर लो, और दोस्तों अगर आपके फ़ोन में नहीं आया है तो आप कुछ दिन का वेट करो, आपके फ़ोन में भी दोस्तों जो अपडेट आने वाला है और दोस्तों आप इसे ज़रूर से कर लें। क्योंकि दोस्तों इसके बाद जो अपडेट आएगा वो उन्हीं लोगों के पास आएगा जिन लोगों ने दोस्तों इस अपडेट को कर लिया है। क्योंकि पहले आपको जो वाला अपडेट करना है उसके बाद आगे का अपडेट आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप इसको स्किप करके आगे का अपडेट कर सकते हो अगर आगे वाला अपडेट भी आया है तो। दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस पर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बार बार लाता रहता हूं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।